शहर में ये कैफे जो अभी चल रहे हैं, तो इनमें कई दिनों से अनैतिक कार्य की प्रसंगिक स्थिति में कई बार सूचनाएँ प्राप्त हुई कि भी यहाँ अवैध या अनैतिक कार्य होते हैं। तो उस संबंध में आज पूरी टीम के हमने रेड डाले हैं और वहाँ कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ भी मिली हैं, उनको समझाइश की हिदायत की, बच्चियों को रक्षित किया। कुछ लड़कियों को अपने करीब 10 हैं बच्चे, उनको हमने यहाँ डिटेन किया है। और ये जो जितने भी कैफे हैं उनको सबको हिदायत की गई कि जो आपने केबिन बना रखी है वो केबिन हटाएं, ओपन रखें। अगर आप केबिन बना करके और इस प्रकार से आप हो गए तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये लगातार कार्रवाई रहेगी। हिदायत की गई है उनको कि भविष्य में जो केबल बनी हुई है ये हटा लें। ऐसे में नजर आया है सर, आपने अनुसंधान भी देखा वहाँ पे अनैतिक कार्य की आपने बता रहे हैं, वहाँ पे अवांछित चीजें भी मिली है। अवांछित चीजें तो आप कुछ संदिग्ध है, अवांछित चीजें तो नहीं मिली हैं, पर केबिन बना रखे तो उनमें अंदर जो पर्दे वर्दे लगा रखे तो स्वाभाविक है कि जो सूचनाएं मिल रही हैं अनैतिक कार्य की तो से इनकार नहीं किया जा सकता। तो लेकिन कैफे जितनी भी हैं उनके संचालकों को उनको हिदायत की गई है कि जो केबिन बनी हुई है वो बिल्कुल हटा दें और एक ओपन जो होटलें के तरह आप जो भी आप खाना है पिज्जा जो भी आप नाश्ता वगैरह दे रहे हो तो ओपन रखें उसको। सर जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों की मिलने की बात आ रही है तो परिजनों से क्या हिदायत रहेगी? परिजनों को सर उनसे यही है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और ये जो जगह है बदनाम जगह है वहाँ पे नहीं है, ओपन कई जगह है और रेस्टोरेंट है, अपने परिवार के बच्चों गार्जियन के साथ आए और आराम से जो भी आपका खाने की इच्छा ब्रेकर जो भी नाश्ता वगैरह खाना तो परिजनों के साथ आए, अकेले थोड़ा सा स्थितियाँ। पिछले दिनों की कैफे पे कार्रवाई हुई, अब की बात हुई, आज कितने कैफे पे कार्रवाई हुई है? कितने आज शहर में करीब 6-7 कैफे पे कार्रवाई हुई है और उनको हिदायत भी की गई। कुछ कैफे बंद थे और कुछ चल रहे थे तो उनको जो केबिन बनी रहे हैं उनके उनको स्पष्ट पूर्व भी बोला गया था कि आप केबिन नहीं रहेंगी, अगर केबिन रहेगी तो जो भी अगर आइंदा अनैतिक कार्य या संदिग्ध अवस्था में अगर पाए जाएंगे तो संचालक कैफे संचालक के खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।